वाह, हम कहाँ हैं? आ, हम यहाँ बंद हो गए हैं। ओह, हालांकि इस चिल्लाना बंद करो। ऐसा लगता है यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प है। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं इन बक्सों को खोलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि अंदर क्या है। चलो देखती हूँ। देखो, वहाँ कुछ और है। शायद इस बॉक्स में एक चाबी हो। मैं यह नहीं करूँगी। चलो पांच तक गिनकर डिसाइड करें कि कौन करेगा। मुझे चाबी लेनी होगी। अरे, एक चाबी के लिए मुझे यह करना पड़ेगा। आ, कुछ गीला है। शायद ये सिर्फ पानी ही है। चलो देखती हूँ। ये तो चाबी नहीं है, ये एक मछली है। देखो कितनी सुंदर है। बेहतर होगा कि मैं उसे जल्द से जल्द पानी में वापस जाने दूं। हम अभी किसी और चीज की तलाश कर रहे हैं। और यहाँ चाबी है। मैरी, मेरे साथ आओ। एक लाल चाबी का मतलब है कि हम इसका उपयोग लाल तिजोरी खोलने के लिए कर सकते हैं। चलो इसे खोले। ओह, यह क्या? यहाँ डायनामाइट है। ओह, डायनामाइट, कितना भयानक। ओह, और हमें क्या करना चाहिए? मेरे पास एक आइडिया है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने साथ कुछ वायर कटर लेकर आई हूँ। हाँ, यह रहा। मैरी, क्या तुम तार काट दोगी? नहीं, बेहतर होगा तुम इसे खुद करो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। उम्मीद है कि मैं इस डायनामाइट के साथ नहीं उड़ूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि पीला तार सही समाधान होगा। वाह, यह काम किया। नहीं, कुछ भी काम नहीं किया। अब मुझे वास्तव में तुम्हारे ब्रश की जरूरत है। यह एकदम भयानक था। मैरी, क्या तुम आलस छोड़ोगी और जाके अपनी बॉक्स को खोलोगी? और चाबी लाओ, जाओ। ओह, मैं मजबूत हूँ, इसलिए मैं इसे संभाल सकती हूँ। पता नहीं यहाँ क्या है। चलो देखती हूँ। यहाँ कोई कान है। ओह, ये गमी बियर है। वैसे यह काफी स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे चाबी तक पहुँचने की जरूरत है। ओह हाँ, मुझे मिल गया और मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती। ओह, मिया, तिजोरी खोलो। लो, कर लो बात। चलो इसे तुम खुद खोलो। चलो देखती हूँ। अब मेरे पूरे चेहरे पर ग्लिटर लग गए हैं। ओ वाह, इसे कूल मेकअप कर सकते हैं। पर अभी तुम्हें मेकअप की जरूरत क्या है? अच्छा हुआ कि अगली चाबी ढूंढो। हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि अंदर कुछ भी बहुत डरावना नहीं हो। दिलचस्प है। कुछ तो चल रहा है। शायद एक डायनासोर या फिर एक मगरमच्छ। नहीं, वे बहुत बड़े होते हैं। चलो देखिए कि वास्तव में क्या है। वाह, मैंने पहले कभी असली गिरगिट नहीं देखा। यह कितना प्यारा है। मुझे लगता है कि मैं उसे आराम करने के लिए छोड़ देती हूँ। मुझे केवल एक चाबी चाहिए। यह रहा। अब हरे रंग की तिजोरी खोलने का समय है। ठीक है, चलो देखती हूँ। और पता नहीं अंदर क्या है। पैसे के लिए इस गन का उपयोग कैसे करेंगे? चलो देखती हूँ। वाह, यहाँ कितना पैसा है। और यह मेरे लिए है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की हूँ। वाह, पैसे की महक। मैं कितनी धनी हो गई हूँ। सभी अच्छी चीजें खत्म हो जाती है। मेरे पैसे मुझे वापस दे दो और हमारे लिए अगली चाबी ढूंढो। और अगर मैं थोड़ा देख लेती हूँ तो मेरी नजर तुम पर है। मुझे ईमानदारी से चाबी ढूंढनी होगी। अंदर छूने में कुछ अच्छा है। यह काइनेटिक सैंड की तरह लग रहा है। हाँ, और यहाँ चाबी है। यह नीली तिजोरी खोलने का समय है। ठीक है, पता नहीं, देखती हूँ क्या होगा। अगर मैं इस रस्सी को खींचूंगी तो क्या होगा? यह क्या है? वाह, इस रस्सी के खींचने से हमें और भी मिलेंगे। चलो इसे और खींचो। यह अच्छा है। मैं इन ओरबीज की असली रानी हूँ। कितना अच्छा। ओह वाह, ठीक है, ऐसा लगता है कि एक नई चाबी दिखाई दी। अब समय आ गया है कि मैं उसे ले लूं।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह क्या है। ये कीड़े हैं। मुझे जल्द से जल्द चाबी लेनी होगी और इस सामान को फिर कभी नहीं छूऊंगी। मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैरी मुझे बचाओ। सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। कितना अच्छा है कि मुझे एक प्यारा गुलाबी तिजोरी मिला है। हाँ, तिजोरी प्यारी और गुलाबी जरूर है, पर यह फोम बिल्कुल प्यारा नहीं है। मुझे लगता है यह मजेदार है। मैं यह कर सकती हूँ। मैरी, चाबी लेने की तुम्हारी बारी है। कीड़े के बाद अपने हाथों को वहाँ डालना विशेष रूप से डरावना है। अच्छी, यहाँ फिर से कुछ बुरा है। लेकिन तुम्हें चाबी लेनी होगी। मैंने भी कीड़े में हाथ डाला था, इसलिए तुम्हें भी कुछ भयानक से गुजरना होगा। यह क्या है? यह आँख है। हाँ, यह आँख है। गमी और बहुत स्वादिष्ट। तुम क्या कर रहे हो? यह सिर्फ कैंडी है। चलो चाबी को ढूंढो। यहाँ, यह मिल गई। लो, तो यह नीली तिजोरी का समय है। चलो देखो क्या है अंदर। मिया, मैं तुम्हें इस बटन को दबाने का मौका देना चाहती हूँ। हो गया, मैंने बटन प्रेस कर दिया। क्या? मेरा बटन दबाना बेकार नहीं गया, नहीं तो मुझे इस नीली घिनौनी चीज के नीचे खड़ा होना पड़ता। खैर, मैं अगली चाबी लेने जा रही हूँ। यह क्या है? बाल? छी, कितना घिनौना। छी, ओह, मेरे ऊपर क्यों? ओह, कितना घिनौना है। मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। और वैसे भी यह बेवकूफ चाबी कहाँ है? ओह, यहाँ है। यह सभी तिजोरियों में से सबसे गहरे रंग की तिजोरी को खोलने का समय है। ओह, चलो देखो कि इसके अंदर क्या है। वाह, इस गहरे तिजोरी के अंदर स्वादिष्ट स्ट्रीट्स है। यह ओरियो कुकीज का एक पूरा गुच्छा है। लो, तुम भी इसे खाओ। ओह, धन्यवाद। मिया, तुम कम से कम मुझे एक और कुकी दे सकती थी। तुम कितनी लालची हो, तुमने सारे खा लिए। ओह, ये बहुत स्वादिष्ट था। शायद अगली तिजोरी में कुछ अच्छा होगा। पहले मुझे चाबी ढूंढनी होगी। यहाँ कुछ स्लाइमी सा है। कच्चे अंडे की तरह लग रहा है, लेकिन मुझे चाबी ढूंढनी होगी। ओह हाँ, यह मिल गई। चलो देखिए कि पीले रंग की तिजोरी में क्या है। मिया, क्या तुम इसे खोलना चाहती हो? बेशक तुम करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। पीछे हटो, वहाँ स्पष्ट रूप से कुछ अच्छा है। यह सच में कुछ अच्छा है। मैंने काफी दिनों से इतना मजेदार कुछ नहीं देखा था। हंसना बंद करो। बेहतर हुआ कि जाकर अंतिम चाबी ढूंढो। ठीक है, पंख वाली मुर्गी। अच्छा ठीक है, ढूंढती हूँ। पता नहीं यहाँ क्या है। वे कीड़े हैं। मुझे जल्द से जल्द चाबी लेनी चाहिए। मैं डर के मारे लगभग बेहोश हो गई थी। मुझे आशा है कि इस तिजोरी में कुछ अच्छा है। हुरे, यह हमारी आजादी की चाबी है। हमने चुनौती पूरी कर ली है। यह बाहर जाने का समय है। यह बहुत मजेदार था, लेकिन हमें जाना होगा। यह काम किया। वाह, मैं शुरू करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है मिया? कितना खराब सरप्राइज है। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है सूजी। मुझे तीखी चीजों से नफरत है। ये मुझे हमेशा बीमार कर देती है। हंसना बंद करो मिया, बेहतर हो देखो कि तुम्हें क्या मिला है। किंडर सरप्राइज, क्या बात है। वाह, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। सूजी, अपना मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे ये गर्म मिर्च नहीं खानी है। हो सकता है कि चॉकलेट सब कुछ ठीक कर दे और ये ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। मुझे यह देखना होगा। एक सेकंड रुको, मैं जल्दी में नहीं हूँ। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। तुम क्या कर रही हो? तुम सिर्फ चॉकलेट नहीं चाट सकती हो, तुम्हें ये सब खाना होगा। मुझे पता था कि तुम मुझे नहीं जाने दोगी। ठीक है, देखो मैं इसे आसानी से संभाल सकती हूँ। अरे नहीं,
लग रहा है मेरे अंदर आग लग गई है। मुझे खुद को बचाना होगा। मैं और नहीं रुक सकती, मैं जल रही हूँ, मदद करो। क्या तुम दूसरी तरफ अपना आग छोड़ सकती हो सूजी? माफ करो, मैं कंट्रोल में नहीं हूँ, मुझे पीने के लिए तुरंत कुछ चाहिए। अब बेहतर है, अब मैं ठीक हूँ। क्या यह सब खत्म हो गया है? मैं बहुत खुश हूँ। तुम क्यों हंस रही हो सूजी? तुम्हारा चेहरा राग से ढका हुआ है, आशा है कि यह बेहतर है। अरे यह नहीं, मेरा चॉकलेट अंडा पिघल गया। यह गलती से हुआ, सच में। क्या फर्क पड़ता है, अब ठीक करने के लिए कुछ नहीं है। वाह, गिफ्ट एकदम ठीक है, बहुत अच्छा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। देखो यह एक और किंडर सरप्राइज है, कितना सुंदर है। यह असली किस्मत है, हमें इसके रैपर को अभी हटाना होगा। बहुत अच्छा, अब मैं सारी एक्स्ट्रा चीजें हटा दूंगी और अब इसे चख सकते हैं। ओह, मैं चॉकलेट फाउंटेन में अंडे को डुबाना लगभग भूल ही गई थी। मुझे यकीन है इसे और भी स्वादिष्ट बना देगा, प्लीज मुझे भी खिलाओ। सोचना भी मत सोजी, तुमने एक चॉकलेट अंडे को बर्बाद कर दिया, तुम्हें ये नहीं मिलेगा। नए डिश, कितना बढ़िया, चलो इन्हें एक साथ खोले। देखो ये पॉपिट्स है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले अपने वाले से खेलना चाहती हूँ। अजीब है, बटन नहीं दब रहा है। मुझे समझ नहीं आई कि क्या यह टूटा हुआ है, मुझे पता भी नहीं है। करीब से देखने की कोशिश करो। अरे मैंने तो इसमें छेद कर दिया, अभी यहाँ एक छेद है। यह सब बहुत अजीब है। वैसे मेरे पॉपिट से बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं इसे चाटने की कोशिश करती हूँ। वाह यह गमी है। ओह माय गॉड, कितना अच्छा सरप्राइज है, जरूर मेरी पॉपिट भी खाई जा सकती है। इसे काट क्यों नहीं सकते, ये बहुत कड़ा है, मैं अपने दांत तोड़ने वाली हूँ। ओह कितना दर्द हो रहा है, मुझे खुद चेहरे पर लग गई। अगली बार तुम सब कुछ अपने मुंह में मत डालना। माफ करो, मेरे पास बकवास चीजों से डिस्ट्रैक्ट होने का समय नहीं है, यह गमी खाने का समय है। चॉकलेट ने इसे पहले से और भी स्वादिष्ट बना दिया, लाजवाब स्वाद है। मुझे भी अच्छा लगेगा मियाँ, मुझे एक छोटा सा टुकड़ा दो। नहीं, मुझे पता था, मैं बस बैठकर खेलना नहीं चाहती हूँ। रुको, मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपने पॉपिट को चॉकलेट से भरने की कोशिश करूंगी, मुझे यकीन है इसे कुछ अच्छा हो सकता है। अरे तुम कहाँ गई सूजी? चॉकलेट को खड़ा करने के लिए मुझे इसे फ्रिज में रखना होगा। बस हो गया, बढ़िया है, और अब मैं थोड़ा इंतजार करूंगी। मुझे लगता है कि यह हो गया। हाँ अब यह तैयार है। वाह चॉकलेट पॉपिट, जल्दी मैं इसे चख पाऊंगी। तुम कहाँ चली गई थी सूजी? अब तुम सब कुछ समझ जाओगी। मैंने अपने पॉपिट को चॉकलेट से डुबोया और फ्रिज में रख दिया। देखो मैंने कैसे टाइलें बनाई हैं। ये बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि और भी चॉकलेट डाल सकते हैं, यह खराब तो नहीं होगा। खैर इसे चखने का समय है, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कमाल का स्वाद है, चॉकलेट मुँह में पिघल जाती है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये लाजवाब है। क्या तुम मुझे एक बाइट दोगी? मुझे पता था कि ये नहीं कहेगी, लालची। पर ठीक है, मैं अभी भी कुछ कर लूंगी। सॉरी सूजी, वो पॉपिट अब मेरा है। ओह कितने अच्छे बटन है, मैं और प्रेस करना चाहती हूँ। ये बहुत रिलैक्सिंग है, मैं इसे नीचे नहीं रख सकती, उंगलियाँ खुद ही बटन दबाना चाह रही है। दरअसल किसी और की चीजें लेना गलत बात होती है। वैसे भी तुम्हें उस पॉपिट की जरूरत नहीं है, इसे मुझे दे दो, दे दो मुझे। तुमने क्या किया मियाँ, हमने उसे फाड़ दिया। तुम कहाँ हो सूजी, क्या सब ठीक है? खैर पॉपिट बर्बाद हो गया है, नहीं लेना चाहिए था, ये सब तुम्हारी गलती है। ओह और इस आदि से क्या होगा? शायद तुम गलत हो, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बढ़िया काम करती है। मैं ये खोलने का इंतजार नहीं कर सकती, तो चलो फिर सूजी। ये क्या है, मकई का भुट्टा? शायद तुम और लकी होगी, चलो देखती हूँ। आइसक्रीम, तुम एकदम सही थी। जिंदगी इतनी गलत कैसे हो सकती है, मैं तुम्हारी जगह रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें खिला सकती हूँ। धन्यवाद। तुम क्या कर रही हो मियाँ, यह मजाक नहीं है। और मेरी राय में बहुत अच्छा, मैं बस कुछ मजा करना चाहती थी। तुम मेरी आइसक्रीम नहीं देख सकती, ओह कितना स्वादिष्ट है, ये चॉकलेट के साथ बहुत अच्छा लगता है, ये एक वास्तविक पॉपसिकल निकला। मुझे भी उसे खाने दो प्लीज, मुझे लगता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारी मदद के बिना यह खा सकती हूँ।
मैं ये कितना अच्छा है, मैं चॉकलेट से ढकी आइसक्रीम खाने पर मास्टर क्लास दे सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुमसे आगे निकल सकती हूँ। वाह, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ थोड़ी ठंड हो रही है? मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। अरे क्या हुआ मिया? अजी कोई रिएक्शन नहीं। वाह वो ठंडी है। खैर बढ़िया है, ये मुझे सूट करता है। मैं आखिरकार आइसक्रीम का स्वाद ले सकती हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह अच्छा लग रहा है, मेरा विश्वास करो मिया, मैं तुम्हारी तरह ही आइसक्रीम संभाल सकती हूँ। मैं तुमसे बदला लूंगी। क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है या तुमने कुछ कहा? माफ करना, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अब मैं तुम्हें गर्म करूंगी, मुझे यकीन है कि एक गैस बर्नर इसमें मेरी मदद करेगा। चलो शुरू करते हैं। कैसी हो मिया, क्या यह बेहतर है? ओह मैं फिर से हिल सकती हूँ, यह बहुत अच्छा है। धन्यवाद सूजी, तुमने मुझे बचा लिया। अरे नहीं, मेरी आइसक्रीम तुमने खा लिया। इसे तुम्हारी मदद करने के लिए एक छोटा सा इनाम मान लो। ओह ठीक है, तो तुम्हें वह घटिया कॉर्न भी खाना पड़ेगा। शायद चॉकलेट इसे स्वादिष्ट बनाएगी। अब हम इसकी जांच करेंगे, अब तक काफी अच्छा है। ओह लेकिन अब इतना नहीं, मैंने पूरा स्वाद महसूस किया। तुम क्या सोच रही हो सूजी? मुझे याद आया कि मकई से कुछ पका सकते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे ग्रेन्स चाहिए और बाकी सब कुछ फेंक दिया जा सकता है। लेकिन तुम्हें फ्राइंग पैन और स्टोव की आवश्यकता क्यों है? क्या तुमने अभी तक इसका पता नहीं लगाया? मुझे पॉपकॉर्न बनाना है और इसके लिए ग्रेन्स को ठीक से गर्म करने की जरूरत है। ओह वे मेरे चेहरे पर उड़ रहे हैं, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। खैर हो गया, मैं इसे बंद कर सकती हूँ, मेरी डिश तैयार है। वो सुंदर है, ये एक अच्छी योजना है। मुझे पता था कि तुम इसकी सराहना करोगी। इस रूप में मुझे पहले की तुलना में ये कॉर्न बेहतर पसंद है। केवल एक चीज गायब है, स्वीट चॉकलेट फ्रॉस्टिंग, लेकिन मैं इसे अभी ठीक कर दूंगी। क्या सुंदरता है, चॉकलेट बढ़िया है। अब मेरी डिश पूरी तरह से तैयार है और मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ। कोई शक नहीं कि यह स्वादिष्ट है। अरे हाँ आश्चर्यजनक, मुझे और खाना है। सूजी मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। क्या इसका मतलब है कि मुझे तुम्हें खाना खिलाना चाहिए? अच्छी बात है, पकड़ो। लेकिन तुम मुँह से बाहर फेंक रही हो, अच्छे से निशाना लगाओ, मैं कुछ भी नहीं पकड़ पा रही हूँ। माफ करना मेरी दृष्टि खराब है। तुम अंदर जाने की कोशिश भी नहीं कर रही हो, मैं अभी बहुत थक गई हूँ। मुझे पॉपकॉर्न दो, मैं इसे तुम्हारी मदद के बिना खाऊंगी, दरअसल वो मेरा है। अच्छा, अरे तुमने इसे गिरा दिया, तुम्हें इसे अपने मुंह से पकड़ने की जरूरत है। वो सुंदर है, यह सही नहीं है। मेरी राय में सब कुछ ठीक है, मेरे लिए पॉपकॉर्न और तुम्हारे लिए बाल्टी। नए ट्रीट्स अच्छे है, इस बार मैं पहले जाना चाहती हूँ। वाह कोका कोला बहुत बढ़िया। हाँ हुआ तो है, तुम लकी हो। पता नहीं मुझे क्या मिला, ब्रोकली नहीं, मुझे कोक चाहिए। तुम बदकिस्मत हो लूजर। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो मिया। क्या मैं बिल्कुल नहीं हंस रही हूँ, मैं बस अपनी सफलता पर खुश हूँ और कल्पना कर रही हूँ कि अभी कैसे चॉकलेट के साथ कोला पीऊंगी। चलो समय बर्बाद मत करो, मैं यह कोशिश करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। ओह क्या ताजा स्वाद है, बहुत अच्छा। यह कुछ नया अनुभव करने और चॉकलेट जोड़ने का समय है। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे ड्रिंक को और भी बेहतर बना देगा। बढ़िया, बोतल फिर भर गई। कुछ भी लीक क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा लगता है कि ड्रिंक बहुत गाढ़ा हो गया है। कोई बात नहीं, मैं इसे निचोड़ने की कोशिश करूंगी, मेरे पास इसके लिए ताकत है। अच्छा वो कहाँ है, क्या चल रहा है? मैंने सही निशाना नहीं लगाया और ये गिर गया, मेरा चेहरा गंदा हो गया है। ओह तुम कितनी अनारी हो, ये सबके साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वाह क्या स्वाद है, मैं आखिरी बूंद तक सब कुछ चाटने के लिए तैयार हूँ। वाह ऐसा लगता है कि ये वास्तव में इसके लायक है, मुझे खिलाओ। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पास ब्रोकली है, चलो। मुझे मेरी असफलता की याद दिलाने के लिए धन्यवाद, मैं इसे तुम्हारे लिए कभी नहीं भूलूंगी। ब्रोकली से बहुत बदबू आती है, इस भयानक गंध को खत्म करने के लिए मुझे तुरंत इसके ऊपर चॉकलेट डालने की जरूरत है। ओह इस स्थिति में उसने भी मदद नहीं की, बस घिनौना। मैं कभी किसी को इसकी सिफारिश नहीं करूंगी। मुझे तुम्हें खिलाने के लिए मजबूर मत करो, तुम्हें काम खत्म करना है। अगर तुम जोर दे रही हो तो ठीक है, लेकिन मेरा विश्वास करो, इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ओह मैं इसे अपने मुंह में डालने से डरती हूँ, मैं इसे जल्दी से करती हूँ, शायद इस तरह मेरे पास भयानक स्वाद लेने का समय नहीं होगा। अभी भी घिनौना, मेरा तरीका काम नहीं कर रहा है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, हमें इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जल्दी करना होगा। ईमानदारी से मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा खेद है सूजी, लेकिन ये मुझसे वह करने से नहीं रोकता जो मैं करना नहीं चाहती।
में नियम है, रोना बंद करो। हो गया, यह आखिरी टुकड़ा था। क्या तुम संतुष्ट हो? वाह, तुम्हारा पेट हिप्पो जैसा है। अरे नहीं, अब कुछ होगा। सूजी बंद करो, हवा बर्बाद करना बंद करो। ओह, अब मेरा दम घुट रहा है। ओह माफ करो। यह हमारे हीरोज को बाय करने का समय है, लेकिन उदास मत होइए, वे इस चैनल पर आपका इंतजार कर रहे होंगे। बाय।